चलो गाइस थोड़ी सी उड़ान ना कर दूं मैं। टॉप पे टर रहा है गाइस, कुछ टर रहा तो उच्च होगा है, कुछ टर रहा बैठ रहा है। कुछ घर के बच्चे हैं, क्या कह रहा है, इतना तो कबूतर भी ना है जितना का तुम नाम बता रहा है। और बस शौक में करा दिया मैंने गाइस, ऐसे ही तेज हवा में उड़ा दी गाइस इसे पट्टी हूँ मैंने। देखो गाइस अभूर मौसम गाइस, टर्रा भी शांत लग उड़ता है इसमें, अगर खिंचा हुआ हो तो 3-4 घंटे उड़ा हुआ हो तो गाइस। चलो तो गाइस अब मैं थोड़ा सा अच्छे से शॉक कराता हूँ आपको और बताता हूँ। ये देखिए ये वो कबूतरी है जो हमारी फिफरा के आई थी, ये हमारी मोरी चिन्नी की पट्टी है, हमारे 1000 कबूतरों में से सबसे उड़ैया कबूतरों की पट्टी है ये मोरी चिन्नी की पट्टी। ये देखिए गाइस कलसिरी है, ये चिन्नी में से कलसिरी बनी हुई है। एक कबूतरी है पकड़ी थी जो 10 बार उड़ के भागी थी, वीडियो बनाई थी हमने इसकी, जर्सी है ये करकरी जर्सी, इसका आने के बाद शॉक करा दूंगा आपको। और 3-4 कबूतर और है देखो गाइस, उच्चे हो गई है। शाम का मौसम तो अच्छा हो रहा था, मैं सोचा थोड़ा सा उड़ाने कर दूँ और आप भाइयों को भी शॉक करा दूँ। गाइस 3-4 कबूतर है बिना भड़की के गिराएंगे, ऐसे ही कबूतर उड़ाते हैं और ऐसे ही कबूतर गिराते हैं। ये देख लो चाहे गाइस, ये हमारी जैसी छत है, यहाँ पर कबूतर जाने का खतरा होता है, मगर भाई हम तो यूँ कहते हैं जिसे आना हो आओ और जिसे जाना हो चले जाओ, हमें कोई मना नहीं है। देखो हमारी कबूतरी कहाँ चली गई, वो बहुत दूर है गाइस, ये समझ लो 3 किलोमीटर नहीं सॉरी गाइस 1.5 किलोमीटर के फासले में है। जब मैं स्टार्टिंग से अगर इसे आपको वॉच करवाता तो ये 3 किलोमीटर के फासले पर थी। और मैं थोड़ा सा कबूतर खोल देता हूँ क्योंकि वो बड़ी अजीज़ाना पट्टी है, जाएगी कहीं नहीं गाइस, बस तेज़ हवा है, तेज़ हवा की वजह से खोल सकता हूँ मैं इसलिए, वरना वो भी नहीं खोल लगा। देखो ततैन सी है, कोई सी कबूतरी है, कोई सी गाइस कोई सी, और इतनी खूबसूरत है ना यो लाल परी कबूतरी, कोई पकड़ते ही कैच करता गाइस। उड़ ली वो, जा रही सीधी, गलत खोल दिएगा, मुझे लग रहा गाइस अभी फिरेगी, अब ये फिरेगी गाइस क्योंकि बहुत दूर जा चुकी है, बहुत दूर जा चुकी है गाइस बहुत दूर। मगर गाइस मैं अभी भी कह रहा हूँ तो मर तो जाएगी मगर घर ज़रूर आएगी गाइस। ये देखो कहाँ उड़ रही इस टाइम, ये देखो जाल के, ये आ रही, मैं गाइस फिर एक बात कह दूं कि मर तो जाएंगी मगर घर ज़रूर आएगी। टावर पे बैठ गई, टावर पे बैठ गई, कोई बात नहीं गाइस, टावर पे बैठ गई कोई बात नहीं। और ये हमारे दुबाजन है, मोहरन पकड़ी थी है किसी और ने, मोहल को ली थी हमने तो मोहल को पैसों में गाइस, जिसे मोहल का मतलब ना पता हो इसे बता रहा हूँ मैं तो। देखो गाइस मैंने छोटे से कबूतर मतलब कि ज़रे से कबूतर खोल के इन्हें कबूतरों को बिठाना चाहा गाइस, और ये देखिए वहाँ के सामने का कबूतर खुल रहा है गाइस, बेझिझक इनके सामने उड़ाते हैं हम विनीले कबूतरों को भी, किसी का किसी के डर से नहीं उड़ाते गाइस, कबूतरबाजी करता है दिल खोल के, जो कबूतर जागा अपने नसीब पर जागा भाई, हमें कोई लेना देना नहीं है। जिसे जाना होगा गाइस वो बिन उड़ाए भी चले जाएगा, और जिसे ना जाना होगा वो उड़ाने के बाद भी ना जाएगा। ये देखो गाइस अभूर मौसम, हमारी कबूतरी ऊपर बैठी है टावर पर, भले से ना दिख रही हो, आते हुए शॉक कराऊंगा। ये रहा लाल चिन्नी गाइस, ये भाग गया था गाइस, ये भोले भाई के यहाँ चला गया था, हमारे भोले भाई है और शुरू में, मगर ये जब से इनके यहाँ से आया जाता नहीं है गाइस। ये देखो पटपटारी कबूतरी गाइस, तत करके शॉक कराता हूँ गाइस, और मैं अपना बेस्ट देता हूँ ये समझ लिए, मेहनत भी करता हूँ, थंबनेल भी बेस्ट देता हूँ और वीडियो क्वालिटी भी बेस्ट देता हूँ, आपको एंटरटेन भी करते रहता हूँ बीच में बहुत ज़्यादा गाइस। ये देखिए
हो सकता है शायद किसी हमारे पुराने यूट्यूब चैनल व्यूवर्स को याद आ गई हो ये कबूतरी, कि हमने ये कबूतरी पकड़ी थी और वीडियो में शो करी थी गाइस। ये हमारा लाल चिन्नी कबूतर है और दो पंजाबी हैं हमारे। उड़ रहा है कि नहीं उड़ रहा है? यूरिया हमारा लाल चिन्नी बैठने तो इसे। एक दुबाजन है हमारी अंधेरिया गाइस, इसे अंधेरा में पकड़ी थी जब ये बच्चा ही था छोटा सा। ये देखेगा, ये लाल चिन्नी है, भोले भाई के यहाँ चला गया था। और भोले भाई के यहाँ से अमन भाई वीडियो वॉच करते हैं हमारे यहाँ से। तो ये देखो गाइस, अमन भाई याद आ गया कौन सा कबूतर है यो। तो देखो गाइस, टावर पर उड़ गई थी कबूतरी है और ये उड़ी फिर रही, ये जा रही गाइस। ये दूसरी बार टावर पर बैठ गई गाइस, निकल गई। आह 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 आ। देख लो ये पटपट आ गई गाइस, अच्छे कबूतर हमारे जानशीन। ये देखो गाइस कितना खूबसूरत लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ मैं, कि जानशीन, कि जान जैसी, ये जान से बहुत प्यारी, जो हमारे दिल के करीब हो। ये आया हमारा एक करकरा कबूतर गाइस। टावर पे जाना चाह रही है, घर को नहीं देख रही। यो कबूतर, ये तो सफ़ेद है गाइस, ये हमारा नहीं है। हमारी कबूतरी किधर है गाइस? मैं कबूतर देख लेता हूँ फिर आपको बताऊँगा क्या स्थिति है। यो देख लो जी गाइस, ये आ रहा है हमारा करकरा। हमारा 1:30 बजे तक थोड़ा हुआ है पंजाबी। देखो गाइस आ गया शेरा आ गया। गाइस के पीछे कबूतर, ये गाइस इसी कोठी में रहता है, बहुत बार स्टेटस पे ये देखिए इसी कोठी में रहता है, बहुत बार स्टेटस पे देखते होगा आप इस कबूतर को। देख लिया कर इसने, बड़ी देर हूँ आई 1-2 घंटे और अब भी घर ना देख रही। आ जाइए आ जाइए, टावर पे बैठी और टावर पे से बैठती बैठती एकदम से गायब। अबे जाओ यार, फिर टावर पे निकल गई। टावर को ही देख रही, घर मान रही, सब कुछ कर रही, पटपटा रही थी जब आया मैं। महीनों से घर उठ बैठ रही और रात पे नखरे दिखा रही। फिर टावर ये उड़ गई जी, फिर से कबूतरी हमारी और इंशाल्लाह की बार आ जाएगी। देखो जी आ गई कबूतरी, यो देखो कितनी खूबसूरत चाल है जी इसकी, शाम वाली बिल्कुल अपने बाप की तरह होती है। इसके बाप की कई उड़ाने शाम तक रखी है हमारे यहाँ, कई उड़ाने का इस कोई गिनती नहीं है। इतना 5 बजे के बाद पटपटा कर आता है, बिल्कुल वो इसी चाल से उड़ रही थी गाइस लेके। और गाइस आज एक आलीशान कबूतर आया हुआ है जिला बिजनौर के किलकपुर के अंदर, हमारे कस्बे के अंदर, जिसके बाजू में कलर लग रहा है और मैं दिखाना चाहूँगा, शौक कराऊँगा पहले आपको, कि वो कबूतर हमारी छत पे उड़ रहा था और वो वहाँ पे चला गया गाइस। अब अगर ये पकड़ में आता है तो गाइस कंटेंट मिल जाएगा, हमें वीडियो अपलोड कर देंगे। और अगर नहीं आया पकड़ में तो वीडियो को कर देंगे डिलीट, मगर इस